सहारनपुर में एसडीएम को मिली फोन पर धमकी, पुलिस केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। यूपी के सहारनपुर में आरटीओ ऑफिस में एसडीएम ने मारा छापा, छापेमारी से मचा हड़कंप। रेड के दौरान तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया। यूपी के रायबरेली में तकनीकी खराबी की वजह से एनटीपीसी यूनिट बंद, 210 मेगावाट का उत्पादन प्रभावित हो गया। दिल्ली के जाफराबाद में 16 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या, घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बागपत में रुपयों से भरा बैग लेकर चोर भाग गए, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, घटना मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हुई। यूपी के रायबरेली में पत्नी के साथ जा रहे युवक को दबंगों ने पीट दिया, हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। दिल्ली के होटल में छात्र की हत्या, एसएससी की तैयारी कर रहा था छात्र, हत्या के आरोप में पुलिस ने गौरव नाम के लड़के को गिरफ्तार किया है। लड़की को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। यूपी के सहारनपुर में रिश्वत लेते एसीओ देवेंद्र कुमार शर्मा गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 की रिश्वत के साथ अरेस्ट कर लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 तमंचे और 15 कारतूस बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया, आरोपियों के पास से बाइक और अवैध हथियार बरामद। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, बदमाश ने महिला से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के गाजियाबाद में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा, आरोपी पर लूटपाट और आर्म्स एक्ट समेत कई केस पहले से दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में अस्पताल की तीसरी मंजिल पर लटका मिला कंपाउंडर का शव, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आदमी की हत्या से सनसनी, खेत में मिला आदमी का शव, मामले की जांच कर रही है पुलिस। कोलकाता में आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हो गया, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, हादसे में 2 लोग घायल। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू होकर ट्रक पुल से नीचे गिर गया, हादसे में ड्राइवर और हेल्पर बुरी तरह घायल हुए हैं, अस्पताल में कराया गया भर्ती, नींद आने की वजह से हुआ हादसा। नेपाल के भरतपुर में जमीन खिसकने की वजह से बसें त्रिशूली नदी में गिर गई, बसें में सवार 63 यात्री लापता, सभी यात्रियों की तलाश जारी। नेपाल के भरतपुर में हुए हादसे पर नेपाल के पीएम ने जताया दुख, यात्रियों का पता लगाने के लिए एजेंसियों को दिशा निर्देश दिए। खराब मौसम को देखते हुए काठमांडू से भरतपुर और चितवन की सभी उड़ानें दिन भर के लिए रद्द कर दी गई, नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। महाराष्ट्र में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, गाड़ियों की धीमी पड़ गई रफ्तार, पानी जमा होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में मुनक नहर बांध के मरम्मत का काम जारी, एक दिन पहले बैराज टूटने से आसपास के इलाके जलमग्न हो गए थे। मुनक नहर का बैराज टूटने से जेजे कॉलोनी में पानी भर गया, आधुनिक मशीन की मदद से पानी निकालने का काम तेज हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है, 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, देहरादून और नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जलजमाव को लेकर डीएम सख्त हो गए, पालिका प्रशासन को निर्देश दिए। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ की वजह से लड़की नहीं पहुंच सकी अस्पताल, करीब 5 किलोमीटर तक बहन के शव को लेकर घूमते रहे दोनों भाई, लड़की ने तोड़ा दम। यूपी के शाजापुर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं, हर जगह पानी का कब्जा है। शाजापुर के कई इलाके में घरों में पानी भरने से सड़कों पर तैरता दिखा सामान, हालात बेकाबू होने पर प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है। शाजापुर में भारी बारिश की वजह से अस्पताल और दफ्तर में पानी भर गया, पानी में तैरती दिखाई दी दफ्तर और फाइलें के कागजात। यूपी के शाहजहांपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाके में दिखा मगरमच्छ, घटना से मचा हड़कंप, जान बचाते दिखे लोग। पाकिस्तान के लोगों ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा पीएम मोदी की वजह से भारत की इज्जत बढ़ी है और हर कोई भारत से अब जुड़ना चाहता है।
अमेरिकी एनएसए की भारत को चेतावनी, कहा रूस पर दांव लगाना ठीक नहीं है, संघर्ष में रूस चीन का ही पक्ष लेगा।